अपकमिंग वीडियो हमारी आईपीमैट इंदौर के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस होने वाली है। सो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ग्रैंड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, सो जल्दी से जाइए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। सो यार, आज मैं आपसे दो अहम मुद्दों पर बात करने वाला हूँ जो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिन्हें लगता है कि उनके पास मैथमेटिक्स नहीं था सो अब मैनेजमेंट में करियर बनाने का जो उनका ड्रीम था वो खत्म हो गया है। दूसरा, मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिन्हें लगता था कि उनका जो मैथ्स है वो 11th और 12th में बहुत ही वीक रहा है सो अब मैनेजमेंट जैसी फील्ड के अंदर जाना उनके लिए एक ऑप्शन नहीं बचता। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो क्वेरी है बहुत ढंग से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। सो चलिए यार शुरू से शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली क्वेरी की। यार अगर आपने ये सोच लिया है कि आपके पास मैथ्स नहीं था सो अब मैनेजमेंट की तरफ आपका करियर नहीं बन सकता सो आपने बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन लिया कहीं से। यार ध्यान से सोचो, अगर आप BMS, BBA या 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं सो ऐसे सिर्फ दो ही एग्जाम्स हैं जो आपसे मैथ्स के डिमांड करते हैं, पहला DUJAT और दूसरा NASIMUNJI। इसके अलावा आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप सारे पेपर्स दे सकते हैं। सो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भैया आपके पास मैथ्स नहीं था सो आप जो है अब आगे मैनेजमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें लगता था कि उनकी मैथ्स बहुत वीक है सो अब मैनेजमेंट नहीं बना उनके लिए। भैया थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश करना, अगर हमारी मैथ्स वीक रहती है तो सबसे पहले उसके कारण को पकड़ते हैं कि हमारी मैथ्स वीक रहती क्यों है। इसके दो मेजर कारण होते हैं। पहला, या तो हमने खुद ही कभी अपने मन से मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हम उससे भागते रहे हैं, और दूसरा अगर हमने मैथ्स पढ़ा भी है तो हमने सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारा। और आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब एक स्टूडेंट जो जिसने मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा 11th 12th में स्कोर किया होता है वो भी जब अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है सो वो भी बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करता है, वो भी सबसे पहले नंबर सिस्टम, LCM, SCF, सर्च एंड इंडाइसेस इनको शुरुआत में पढ़ता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से ब्रश अप करता है। सो यार आप में और उस टॉपर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप भी एक राइट अप्रोच, एक राइट गाइडेंस और राइट जगह एनर्जी लगाएंगे सो मैथ्स इंप्रूव करना बहुत बड़ा खेल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा से कॉन्सेप्ट्स को रटने की कोशिश करते हैं, हमने कभी उनको समझना चाहा ही नहीं है। सो यार ये तो बात बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका मैथ्स वीक रहा है सो अब वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता और आप जो है जो पेपर के अंदर मैथ्स की डिमांड होती है उनके अंदर आप नहीं बैठ सकते। सो भैया बिल्कुल आप बैठ सकते हो, मैथ्स आप बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने रहे हैं जिनका मैथ्स 11th 12th में स्ट्रॉन्ग नहीं रहा बट उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपनी मैथ्स को बहुत इंप्रूव किया है और सीट भी ली है कॉलेज के अंदर। सो अगर आप भी चाहते हैं आपकी एनर्जी रिलेवेंट कंटेंट और राइट मेंटोर्स के बीच में लगे सो हमारा AIM 21 बैच लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ रिलेवेंट बुकसेट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किया गया है आपके घर तक पहुंचता है। उसी के साथ आपको डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलता है जिसके अंदर हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। इसी के साथ आपको AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल मिलता है जहां आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज जज कर सकते हैं। इसी के साथ आपके वीकली लाइव सेशंस हम फैकल्टीज के साथ शेड्यूल करवाते रहते हैं जो आपकी तैयारी के अंदर एक अच्छा एज प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको हमारे AIM 21 बैच की डिटेल्स चाहिए सो आप हमें इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उस स्टूडेंट की जिसे हमें देखकर लगता है
कि वाह इसकी क्या मैथ्स है यार। चलो सोचना जरा, हम किस बेसिस पर कहते हैं कि उस स्टूडेंट की मैथ्स बहुत अच्छी है? हम उसको देखकर कहते हैं कि भाई वो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर रहा है, उसको कुछ भी क्वेश्चंस दो वो बहुत क्विक कर दे रहा है उसको, और दूसरा कि यार उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत शार्प है, बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट्स है। अब अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर सबसे पहले बात करूं, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सो कॉन्सेप्ट्स हर कोई ब्रशअप कर सकता है, हर कोई कर लेता है, पर जो मेजर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये फील होने लगता है कि उनकी मैथ्स वीक रही है, वो है कैलकुलेशन। हम अपनी कैलकुलेशन पे कभी ध्यान देते ही नहीं है, हमें बहुत छोटी चीज लगती है कि यार कर लेंगे हम, कर लेंगे, बट वो जो स्टूडेंट जो जिसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हमें लगती है, वो पहले दिन से ही कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सो हमें और उस स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क होता है कि वो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस भी करता है। एक बात आप अभी से दिमाग में डाल लो, आगे आप 10 दिन का टास्क लगा लो कि अगर आगे आने वाले 10 दिन में आपने 30 तक टेबल्स लर्न कर लिए और उसके साथ साथ आपने स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स भी लर्न कर ली, आपको आपकी कैलकुलेशन के अंदर एक ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फील होती चली जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ जो हम चीजें मिस्टेक करते हैं, हम वैदिक की तरफ ध्यान ही नहीं देते। यार इस बात को ध्यान से समझना, अब वो टाइम नहीं रहा है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आता है तो ठीक है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, अब आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी करनी आनी चाहिए, आपको वो जो आपको कॉन्सेप्ट आता है वो क्विक लगाना भी आना चाहिए, और ये सारी चीजें हमारी बिल्ड होती है जब हम अपना वैदिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो वैदिक को आपको नहीं भूलना है, आपको वैदिक को अपने साथ लेके चलना है और देखना कुछ टाइम के अंदर आपको आपकी मैथ्स के अंदर ऐसे ग्रोथ होना फील शुरू हो जाएगा। सो आप पेन अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पेन और पेपर लेके आइए और मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं उसको लिखिए। पहला, 30 तक टेबल्स ऑन टिप्स कर लीजिए, बिल्कुल ऑन टिप्स 30 तक टेबल आपके होने चाहिए। उसी के साथ 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 12 तक ही लर्न कीजिए। मैं नहीं कह रहा आप 13, 14, 15 आगे की भी कीजिए, इतना ही सफिशिएंट होने वाला है। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक लर्न कीजिए, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 6 तक लर्न कीजिए, 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 6 तक लर्न कीजिए, 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 5 तक लर्न कीजिए, और 6 की पावर 1 से लेकर 6 की पावर 4 तक लर्न कीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं आपको, यकीन मानो इतना भी लर्न कर लिया मजा आ जाएगा। इसी के साथ स्क्वायर रूट्स 30 तक स्क्वायर रूट्स ऑन टिप्स कर लीजिए, और उसी के साथ क्यूब्स 15 तक क्यूब्स, और उसके साथ मैं नहीं कह रहा आप 16 का करो, 17 का करो, 18 का करो, 19 का करो, नहीं करो, 15 तक कर लो, उसके बाद 21 का कर लो। एक आपको आपकी मैथ्स के अंदर, मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, आपको आपकी लाइफ के अंदर भी जहां आप मैथ्स को अप्लाई करोगे कभी दिक्कत फील नहीं होगी। सो सिर्फ यही एक बेसिक डिफरेंस है जो एक स्टूडेंट जिसकी मैथ्स हमें लगती है कि यार क्या गजब मैथ्स है इसकी, उसके अंदर हमारे अंदर फर्क डालता है कैलकुलेशन, हम इस बात पे कभी ध्यान देते ही नहीं है। सो आज ही प्रण ले लेना कि भैया आगे के 10 दिन जो है मैं अपनी कॉन्सेप्ट्स पे तो काम करूंगा करूंगा, साथ ही साथ मैं अपनी एनर्जी वैदिक पे भी डालूंगा, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है भाई आज वाले सेशन के अंदर आपकी जो दो मोटी मोटी क्वेरी रही है कि कैसे हमारी मैथ्स अगर वीक है तो उसको इम्प्रूव करें, या जो हमारी मैथ्स वीक रही है तो क्या मैनेजमेंट हमारे लिए ऑप्शन होने वाला है, ये क्लियर हुआ होगा। सो ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।